गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता देखते हैं नाश्ते में क्या बना है और शायद क्या बनने वाला है। अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है, चाय पीनी है और चाय के साथ कुछ खाना है। और कार्तिक जी आज जल्दी उठ गए हैं तो आप देख सकते हैं। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस नहीं करना, चलो लाओ कार्तिक। कार्तिक आ जाओ, कार्तिक। गाइस गर्मा गर्म चाय। और साथ में क्या है? मठरी और नमकीन। आज थोड़ा सा खाएंगे चाय के साथ, काफी दिन हो चुके हैं। दीदी और थी तब खाया था एक बार। तो ये देखिए इसको, कार्तिक को क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? कार्तिक डायपर पहन रखा है, डायपर। गाइस देख सकते हैं आप, इसको नमकीन बहुत पसंद है। इसको वैसे हर चीज बहुत पसंद है, हर चीज इसको पसंद होती है, हर चीज। तो ये मेरे साथ तो कुछ ज्यादा करता है, मुझे खाने ही नहीं देता है। ये देखिए खाए पीते, बहुत अच्छी है। मेरे कार्तिक किस हाथ से बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना, बड़े प्यार से खिला जाता है मुझे, मुझे प्यार भी बहुत करता है। तो गाइस मेरे यहाँ खुल चुकी थी 7:45 बजे, हाथ में दोबारा फ्रेश हुआ, थोड़ा सा भोग वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा सा फोन को चार्ज पे लगा दिया था मैंने, और शूट मैंने अभी किया जस्ट। तो आप सब ऐसे मत सोचना कि लेट लेट उठते हो, ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है पर ज़्यादातर जल्दी उठना ही होता है। तो गाइस अब इसको हम इंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। गाइस आप देख सकते हैं कार्तिक भी नहा लिया है और बॉल से खेल रहा है। ले के आओ बॉल। भाई ती ये ड्रेस कैसे पहन लिया है, नाइट वाली? बताओ इधर आओ, नाइट ड्रेस कैसे पहन लिया? हाँ आफ्टरनून में बताओ क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? जी जी गाइस मैंने भी ना लिया है और अभी 12 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और ब्रेकफास्ट में सब कुछ किया नहीं मैंने, क्योंकि चाय के साथ मैंने नमकीन और मठरी खा ली थी इसलिए मेरा पेट भर चुका था बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब वो लंच करेंगे हम 12:15 बजे ही जल्दी, और मम्मी मेरा वेट कर रही थी कि मैं जल्दी से नहा के आ जाऊँ, फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे, कार्तिक भी है जैसे साथ में। तो गाइस लंच करते हैं। गाइस हम सब लोगों ने खाना खा लिया है, लंच कर लिया है, और लंच करे भी काफ़ी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम सब लोग बातें करते करते लंच फिनिश कर रहे थे, और भैया ने भी किया था साथ में लंच, और कार्तिक बहुत ज़्यादा उधम कर रहा था, मुस्कान को खाना खाने नहीं दे रहा था, और मेरा शूट करना मेरे दिमाग से निकल गया इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और कार्तिक को देखिए आप, कार्तिक इधर इधर इधर, बोल कहाँ है, बोल कहाँ है, कहाँ है? तो गाइस आप देख सकते हैं कार्तिक को, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस। अरे मेरे बच्चे क्यूट है। अरे नहीं नहीं नहीं, लग जाएगी मेरे, लग जाएगी मेरे, मेरे लग जाएगी ना। अरे नहीं, अरे मेरे ही दे रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे ही दे रहा है, और जब ये बैट बॉल खेलता है ना तो बहुत ही ज्यादा है ना,
बहुत ही ज़्यादा उदम करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस लंच कर लिया है, काफ़ी देर हो चुकी है और अब नींद आ रही है, तो थोड़ा आराम करेंगे, फिर जो भी है शाम का वो ब्लॉग पर बने रहे। तो हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस शाम के पौने 5 हो चुके हैं और चाय पीने का समय हो चुका है। चाय भी भाभी बहुत अच्छी बनाती है, मेरे हिसाब की कम मीठी, काफ़ी ज़्यादा चाय अच्छी बनी है। और थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी देर नींद आ गई थी, मेरी आंखें खुल गई इसलिए मैंने ज़्यादा नींद ली नहीं, नाइट में जल्दी नींद आ जाएगी आज। तो गाइस आज थोड़ा सा मैंने सोचा है कुछ मतलब तो बाहर जाने का, तो देखते हैं बाहर चल के कि क्या लेना है। कुछ काम है मुझे मार्केट का, तो वो करते हैं आज, देखते हैं। फिर मुस्कान में से जाएगी मेरे साथ क्योंकि थोड़ा सा बाहर का जैसे शूट करना होता है तो थोड़ा एक होता है ना साथ में, जैसे दिखता है कुछ समय तक मेरे साथ, तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो हम मज़े करेंगे बहुत और ब्लॉग पर बने रहे। कार्तिक क्या कर रहे हो? तरबूज खा रहे हो? अरे वाह, इधर देखो। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, देखो इधर कार्तिक, देखो इधर। हेलो गाइस, तो गाइस कार्तिक तरबूज खा रहा है और कार्तिक मुझे तो खिलाओ। अब नहीं खाना मुझे, आप खाओ। दीदी कहाँ गई? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे गई बताओ। अब नहीं बता रहा है, पहले बता रहा था, ओ ओ ओ कर रहा था। कहाँ पे गई है? कहाँ पे गई है? गाइस मैंने कपड़े वगैरह हाथ मुंह धो लिया है और मुस्कान रेडी हो रही है, बस मुस्कान रेडी हो जाए फिर चलते हैं मार्केट। और अभी समय हो चुका है 6 का, नहीं बज रहे हैं अभी, मैंने देखा है 6:40 हो रहे हैं, तो अभी हमें मार्केट आने में शायद 8 तो बजेंगे, 7 ऐसे बजने वाले, तो 1 घंटा तो लगेगा मिनिमम। तो गाइस कार्तिक मुझसे नाराज़ हो रहा है, बहुत ही ज़ोरों से नाराज़ हो रहा है। और ये देखिए कार्तिक को, कार्तिक क्या हो गया? कार्तिक बेटा क्या हो गया? चीज खाओगे? चीज खाओगे? इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। जब मेरे बच्चे, मेरा बच्चा मुझसे इसलिए नाराज था कि भाभी ने मुझे बाहर भेजा था दुकान पर सामान लाने के लिए, तो भाभी ने भैया ने बोला था इसके लिए चीज लाने के लिए, तो ये अभी सोच रहा है, मैंने इसको दी नहीं है, तो ये अभी सोच रहा है, नाराज हो रहा है मुझसे कि चीज अभी तक लाई क्यों नहीं और लेकर आयो तो दी क्यों नहीं। ये देखिए इसको, फिर से इसको गुस्सा आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो तो मैंने ब्लॉग शूट किया था इसलिए वो स्माइल कर रहा है इसलिए गाइस फ्रूटी लिए मैंने, जैसे कि मम्मी रोज परी को जब ट्यूशन से लेके आती है तो फ्रूटी लेके आती है इन दोनों के लिए, और तभी मैंने फ्रूटी ली थी, तो वो फ्रूटी बहुत गर्म थी, तो मैंने सोचा थोड़ा तो ठंडा होना चाहिए, ठंडी पीनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा ना सही, तो और वो गर्म बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने इसको आइस में रख दिया 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए,
क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, इसलिए तो गर्म पीने से प्रॉब्लम होती है गाइस, इसलिए थोड़ा तो गर्मी में थोड़ा तो ठंडा चलता ही है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा गर्म चीज़ें पीते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। जैसे सर्दी में ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं पी सकते तो वैसे गर्मी में भी गर्म चीज़ें नहीं खा पी सकते, तो इसलिए गाइस मुस्कान रेडी होती है जब तक वो आने वाली है। वैसे उसने बोला था मुझे आवाज़ लगाई कि वो आने वाली है 5 से 7 मिनट के बीच में, तो आएगी फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, हम बाहर जाएंगे तब। निकल चुके हैं, अब रिक्शे तक बैठते हैं, फिर रिक्शे से आगे मार्केट का दिखाएंगे आपको। मैंने माइक निकाल लिया है, पर मैंने बहुत दिनों बाद आज यूज़ करना पड़ रहा है मुझे इसका, कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर होगा इसलिए। तो गाइस मैंने अभी माइक में देखा कि इसकी स्टिक होती है ना जो यहाँ पे लगने की होती है वो गायब है, पता नहीं किसने निकाली है, मुझे नहीं है पता, पर मैंने हमेशा मेरी सारी चीज़ें ना घर में रखी है, पर घर से लापता हो जाती है सारी चीज़ें, तो अब इसका जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे यहाँ लगाने के लिए। कुछ इस तरीके से इसको लगाया है, जिसकी पिन होती है ना माइक की उसको इससे कनेक्ट किया है बिल्कुल फिक्स। तो आप सब लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो मुझे कमेंट में बताना कि ये ठीक से लगा है और इसकी आवाज़ अच्छे से आ रही है ना आप सब लोगों तक। मोन भैया ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, साइज तो ठीक है शायद आ ही जाएगा। एक्सेल है ना ये, और देखो तो गाइस मुस्कान सैंडल देख रही है पहन के, लाइट कलर भी है ना, कंफर्टेबल है क्या, थोड़ा छोटा है। गाइस मुस्कान सैंडल देख रही है खुद के लिए, और देख कौन रहा है तेको सैंडल दिखाना है तो गाइस मैंने बोला है इसको मेरी तरफ से ये सैंडल देख ले, चूज़ कर ले, अगर समझ में आता है तो ये ले ले। तो गाइस अभी हम मार्केट आए हुए हैं और मार्केट में चांदपोल मार्केट है, कैसा है दिखाना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ब्लैक तेरा फेवरेट है ये तो जो मुझे पसंद है ब्लैक, वो मुस्कान को भी बहुत पसंद है ब्लैक कलर, कॉमन सा ये है ब्लैक कलर, ज़्यादातर सब लोगों को पसंद होता है। देख चुकी है अभी तक, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लेना है, नहीं आ रहा। तो गाइस अब शूज़ भी देख रही है मुस्कान, सैंडल का तो कुछ समझ में नहीं आया इसको, मुझे थोड़ा ये ठीक लग रहा है। इसमें कलर मिल जाएंगे क्या अंकल, ऐसे तो है इसके पास, मैंने बताया था ना अभी आपको। तो गाइस मुझे तो यही पसंद आया है मुस्कान के लिए, अभी समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी हम एक जगह और जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, तो 9:30 बज जाएंगे हमें मार्केट में, अगर हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है तो जल्दी चले जाएंगे घर पे। पर पता है मुस्कान मुझे है ना, मुझे ये अच्छा लगा था, पता है एक तो ये लगा था और अरे तो ये ऐसे तो आते हैं यार, ऐसे रहते हैं ये 2-3 बार पहनने में, मुझे ये भी ठीक लग रहा था। देखो ये संजू पहन के गई थी पहले ऐसा कुछ, ये देखो ये आज बहुत दिनों बाद मार्केट का शूट किया है मैंने गाइस, और अगर ऐसा ही रहा आप सब लोगों की कृपा से, अगर कुछ अच्छा अच्छा होता रहा तो रोज़ डेली आ जाए करेंगे मार्केट शॉपिंग के लिए। कभी दिखा देते हैं थोड़ा सा, आधे से ज़्यादा मार्केट बंद हो चुका है और ये मुस्कान चल रही है, तो जय हो बजरंग बली।
ये हमारे बजरंग बजरंग बली विराजे हैं यहाँ पर। और बहुत दिनों बाद आज मार्केट आए हैं गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है मुस्कान, मुस्कान अच्छा लग रहा है। मुस्कान पे भी आजकल शर्म आ रही है, कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं रही है। और अब एक छोटा सा काम और है, मैंने मतलब मुस्कान को गिफ्ट भी दिला दिया है और जीजू का गिफ्ट भी मैंने ले लिया है जो सब लोग मंगवाए हैं मुझसे। मेरा तो अलग है, उनके लिए सरप्राइज़ है कुछ। और मुझे भी भैया मिले हैं और ये भी अपने अपनी शॉप बढ़ा के जा रहे हैं घर पे, तो ये मुझे देख के मुझसे बात आत करने लग गए। अभी ये घर पर जा रहे हैं। तो गाइस मुस्कान को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, तो कोई ना भैया से बात करते हैं और फिर चलते हैं घर पर। हम घर पर आ चुके हैं और सामान भी ले लिया। मुस्कान इधर लेके आना पॉलीथिन। तो गाइस अब टाइम देखिए, मतलब 9:10 हो चुकी है और हम लोग घर से निकले थे 7:45, तो सही फ्री हो गए हम। तीन चार चीज़ें ले ली हमने और 10-10 के गोल गप्पे भी खा लिए हमने, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि खाना खाना था इसलिए, और कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं। तो गाइस अब खाना खाते हैं, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। अब डिनर करने का समय हो चुका है और डिनर में क्या बना है वो देखते हैं। नॉन वेज बना है चिकन, और मैं और मुस्कान खाने वाले हैं। आप लोग कहीं से सोचो कितनी सारी रोटियां रखी हुई है। तो गाइस रोटियां थोड़ी सी मोटी बनी है और 4 रोटी है इसके अंदर, तो 4 रोटी भी हम फिनिश नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मुझे वैसे भी ज़्यादा लेट खाना पसंद नहीं है, तो मुझे सिर्फ 1 रोटी खानी है इसमें से। और बाकी चिकन को दोपहर में इंजॉय करेंगे। गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आज का दिन हम सब लोगों का अच्छा ही रहा था आई होप, और शाम को मार्केट जाने का प्लान अचानक से ही बना था। मुझे ये लगा था कि जाना है क्योंकि मुझे भी काम था वहाँ से, तो कंफर्म जाना हो गया था शाम को। और जैसे मैंने हम लोग मार्केट गए तो हम लोगों ने थोड़ा सा शूट करके वहाँ का दिखाया कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। तो गाइस हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें कि ब्लॉग में कुछ कमी ना हो, और कमी लग रही हो अगर तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं।